हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, गवर्नमेंट जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है या प्राइवेट जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का यह प्रश्न आ रहा था कि सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल से बता दीजिए कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ वहाँ पर चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो यह जो आपका गवर्नमेंट जॉब में जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो प्राइवेट जॉब में होता है, यह दोनों ऑलरेडी लगभग सेम ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जो है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है, उसी तरह से आपका प्राइवेट जॉब में भी किया जाता है। बस थोड़ा सा अंतर कहाँ पर आता है, वह यह आता है कि जो प्राइवेट जॉब होती है उसमें थोड़ा सा आपको रियायत भी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे रियायत की बात करें, तो जैसे अगर आपके पास कोई जो है कि मार्कशीट है, उसमें मान लीजिए नाम गलत है, जैसे मान लीजिए 12th की मार्कशीट थी उसमें थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मिस्टेक है, या जो है कि आपका 10th की मार्कशीट में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो ऐसे वहाँ पर थोड़ा सा रियायत मिल जाती है। अगर आप जो है कि कहते हैं कि सर नाम गलत हो गया, हम संशोधन वगैरह करा लेंगे, तो वहाँ पर वह लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका प्राइवेट जॉब है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें आपको एक्सक्यूज नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें अगर आपका नाम वगैरह गलत होता है या मिसमैच होता है, पिताजी के नाम में कोई गलती होती है, तो ऐसे में जब वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर आपको बाकायदा टाइम दिया जाता है कि आपको इतना दिन का टाइम है और इसी के अंदर आपको सही करा के और उस डॉक्यूमेंट को आपको जमा करना होगा या आपको दिखाना होगा। और उसके अलावा दोस्तों, जब आपको टाइम दिया जाता है, तो अगर आपकी मार्कशीट वगैरह में नाम गलत होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उसको जो है कि आपको एक एफिडेविट वगैरह भी बनवानी पड़ती है कि हाँ, इसमें नाम गलत है, हम संशोधन के लिए दिए हैं, तो ऐसा एफिडेविट बनवाना पड़ता है। बाकी ऑलरेडी जो है कि लगभग सेम ही होता है। जब आप जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो वहाँ पर जो है कि जिस तरह से प्राइवेट में चेक करते हैं आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसी तरह से इसमें भी होता है। तो दोस्तों क्या होता है, चलिए प्रोसेस बता देते हैं। तो जब दोस्तों आप जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए ऑफिस पर जाते हैं, जहाँ पर भी आपको बुलाया गया रहता है, तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक फॉर्म दिया गया रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको फॉर्म दिया जाता है जिसमें कि क्या होता है कि आपको अपना नाम वगैरह सब कुछ फिलअप करना होता है, और उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है वह डॉक्यूमेंट आपके छपे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वह आपको छपी होती है, और उसमें जो है कि क्रम दिया रहता है कि सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, उसके बाद आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है। तो जैसे क्रम से दिया रहेगा, पहले 10th के मार्कशीट अगर उस जॉब में चाहिए तो 10th की मार्कशीट दिया रहेगा, फिर 12th की मार्कशीट दिया रहेगा, या अगर वह जॉब ग्रेजुएशन लेवल पर है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिया रहेगा, या कोई और कोर्स पर वह जॉब है तो उसका दिया रहेगा। तो उस तरह से आपको जो है कि एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा और सभी को जो है कि अरेंज करके और उसके हिसाब से कराना होगा। और दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर भी दिया रहता है कि इस जॉब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वह जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सबका जो है कि आपको फोटोकॉपी करवा लेना होता है। आप 2 सेट फोटोकॉपी ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी फोटोकॉपी होती है वह जमा होती है, तो ऐसे में आपको जो है कि 2 सेट फोटोकॉपी करवाना होता है। और जो डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे, वहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप फोटोकॉपी ले जाएंगे वह तो आपका जमा होगा, उसके साथ साथ आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह आपका चेक किया जाता है। तो इसलिए आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और जो फोटोकॉपी है उसको भी ले जाना है,
और जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो जिस सीक्वेंस से आप जो है कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसी सीक्वेंस से आपको जो है कि फोटोकॉपी भी लगानी है। तो दोनों आपको सीक्वेंस से लगा लेना है और उसके बाद जो है कि आपको जाना है जमा करने। तो वहाँ पर जब आपका नंबर आएगा तो आपको जाना होगा और उनको देंगे, तो वह जो है कि उसी क्रम से जो है कि आपका डॉक्यूमेंट मिलाएंगे, एक एक डॉक्यूमेंट आपका धीरे धीरे मिलाएंगे और उस पर ट्रिक लगाते जाएंगे। मतलब जो फॉर्म भरे रहेंगे वहाँ पर ट्रिक वह लगाते हैं कि हाँ यह चीज़ सही है, यह सही है, यह सही है, और जिसमें उनको गलती लगती है उस पर वह जो है कि गोला कर देते हैं। तो इसी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा दिक्कत उनको आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिनके मार्कशीट वगैरह में नाम गलत होता है, पिता का नाम गलत होता है, या बहुत लोगों का तो शुरू का लेटर ही गलत होता है, तो ऐसे उन लोगों को दिक्कत आ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर वह लोग जिनका मार्कशीट में नाम वगैरह गलत होता है तो वह लोग अगर एफिडेविट बनवा लेते हैं तो उनको भी वहाँ पर छूट मिल जाती है। उनको टाइम दे दिया जाता है कि इतने दिन का समय है, आप इतने में लीजिए, तो उतने में अगर आप करेक्शन करके और जमा कर देते, उनको दिखा देते हैं कि हाँ हमारा जो है कि बन गया है, तो आपको जो है कि उसके बाद वह अलाउ कर देते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उस टाइम में आप संशोधन वगैरह नहीं कराते, नहीं दिखाते हैं, तो आपको जो है कि आपको नौकरी से जो है निकाल भी सकते हैं या रोक लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको दिखाना होता है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कभी भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह आपका जमा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वह आपका चेक करके आपको दे दिया जाता है, जो आपकी फोटोकॉपी रहती है सिर्फ वही जमा होता है। कभी भी अगर कोई कंपनी वाला अगर आपसे मांगता है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देगा तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि वह आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी ओरिजिनल आपका जमा नहीं होगा, आपका फोटोकॉपी लगेगा, बाकी चेक वह ओरिजिनल से आपका करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, और दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन है जैसे आपकी मार्कशीट गलत है या कोई डॉक्यूमेंट में गलती है तो कैसे जो है कि आप डीवी करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और कोई दिक्कत भी ना आए, तो हम अगली वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल से, क्योंकि यह वीडियो पूरा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।